दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक फिलहाल जमानत दी है और उसी के बाद अरविंद केजरीवाल जब कल तिहाड़ से निकले थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि वो 11 बजे हनुमान मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। लेकिन हनुमान मंदिर में दिल्ली पुलिस की अगर व्यवस्था दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी है, चाक चौबंद कर दी गई है, पूरे मंदिर को फिलहाल बैरिकेड्स से घेर दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, कई बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के फिलहाल यहां पर तैनात हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी वापो न हो। आप दिखा सकते हैं कि पंजाब पुलिस की भी सिक्योरिटी यहां पर आ गई है। सबसे बड़ी बात इस मामले में अगर देखें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आज से ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और इसीलिए वो फिलहाल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और हनुमान मंदिर से ही वो भगवान हनुमान का दर्शन करेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पूरा प्रचार प्रसार है वो शुरू करेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि 1 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद जो चुनावी रैली है दिल्ली में उस चुनावी रैली में वो हिस्सा लेंगे और उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह फिलहाल हनुमान मंदिर में अभी फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भीड़ बढ़ा दी गई है, तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ यहां पहुंचेंगे इसी और सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है वो अरविंद केजरीवाल के मद्देनजर बढ़ा दी गई है। अब फिलहाल वो दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद वो अपने चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।